कर लिया है राशि परिवर्तन। सिंह का सूर्य सावन में कैसे करेगा संतानहीनता का निवारण। कैसे सावन में सूर्य बनकर इंद्र आदित्य लाएंगे रोजगार में तरक्की। कैसे इंद्रदेव की कृपा से कार्डियक पेशेंट्स को मिलेगा हार्ट प्रॉब्लम से छुटकारा। किस्मत जंक्शन में आचार्य कमल नंदलाल से जान लीजिए कैसे बना है खास आज का दिन। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आचार्य कमल नंदलाल आप सभी दर्शकों का, आप सभी व्यूअर्स का, आप सभी चाहने वालों का कुंडली टीवी के स्पेशल प्रोग्राम किस्मत जंक्शन में वेलकम करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए कार्यक्रम की प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर वन यानी आज के विशेष संडे का दिन है, तारीख है 19 अगस्त 2018। सावन के महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी पर सूर्य के सिंह राशि में आने पे और केतु के नक्षत्र मघा में आने के कारण इस दिन पांचवें आदित्य यानी कि पांचवें सूर्य, हिंदू नववर्ष के पांचवें सूर्य इंद्र आदित्य है उनका नाम, उनका पूजन किया जाता है। आदित्य सूर्य का ही एक नाम, माता अदिति के गर्भ से जन्म लेने के कारण इनका नाम आदित्य पड़ा। दैत्य जो थे वो अदिति के देवता पुत्रों से लड़ाई झगड़ा करते थे, उनसे दुश्मनी रखते थे, उनसे जलन रखते थे, इसलिए उनका हमेशा देवताओं से संघर्ष लड़ाई झगड़ा होता रहता था। अदिति ने सूर्य की तपस्या की और उनसे प्रार्थना की तो सूर्य ने अदिति के गर्भ से उनका पुत्र बनकर जन्म लिया और सभी असुरों को उन्होंने भस्म कर दिया। आदित्य को ही परमेश्वर शिव का और भगवान विराट का नेत्र माना जाता है, उनकी आंखें मानी जाती हैं। इंद्रादित्य को भगवान माना जाता है, जिनके ऋषि अंगिरा हैं, इनकी अप्सरा है प्रेम लोचा, इनके गंधर्व का नाम है विश्वावसु, इनके राक्षस का नाम है वर्य, इनके भल्ल का नाम है श्रोता और इनके इंद्र का जो नाम है वो है एलापात्र। इंद्रादित्य का काम है वर्षा करना, बरसात करना। इंद्रदेव देवराज भी हैं यानी कि देवताओं के राजा, और ऋग्वेद जो है हमारा उसके 25% मंत्रों में इंद्र का ही उल्लेख है, 1/4 मंत्र। इंद्र ने ही ऋषि दधीचि की हड्डियों से बने वज्र से प्रतासुर का वध किया था। दानवेंद्र बलि और पांडवों में अर्जुन भी इंद्र की ही संतानें हैं। इंद्र को महेंद्र भी कहा जाता है, इनकी सवारी एरावत हाथी है और उच्चे शवा घोड़ा है। इंद्र का अस्त्र वज्र है व इनका निवास अमरावती है। आज के दिन किए गए सूर्य इंद्रादित्य के विशेष उपाय पूजन से संतानहीनता का निवारण होता है, यानी कि जो चाइल्डलेस लोग हैं उनको संतान की प्राप्ति होती है। हार्ट डिजीजेस यानी कि हृदय के जितने रोग होते हैं वो ख़त्म होते हैं और रोजगार की जो है समस्या दूर होती है, आपको रोजगार में तरक्की मिलती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं आज की स्पेशल पूजन विधि के बारे में। सुबह के समय सूर्यदेव का विधिवत पूजन कीजिए, घी में थोड़ी सी रोली मिला लीजिए यानी कि जैसे कुमकुम कहते हैं, और फिर दीपक जलाइए उसका, गूगल से धूप भी कीजिए, लाल चंदन उन पर थोड़ा सा चढ़ाइए, लाल गुड़हल यानी कि लाल कलर का जो चाइना रोज होता है ना उसे चढ़ाइए, अनार का फलहार चढ़ाइए, गेहूं और गुड़ का हलवा बना लीजिए उसका भी भोग लगाइए तथा लाल चंदन की माला से, अगर ना मिले तो किसी भी माला से जो मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ उसका एक माला यानी कि 108 बार जाप जरूर कीजिए। पूजन के बाद जो फलहार और भोग है वो गाय को खिला दीजिए। स्पेशल मुहूर्त है, पूजा का स्पेशल मुहूर्त है सुबह 10:20 से लेकर सुबह 11:20 तक, और स्पेशल मंत्र जो है ओम महिंद्राय नमः। तो चलिए बात करते हैं उपाय चमत्कार की, बात करते हैं उन पहलुओं की जो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, और सच मानिएगा कि इन पहलुओं के बगैर जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। तो हम आपको किस्मत जंक्शन के इस सेगमेंट उपाय चमत्कार में बताने जा रहे हैं कि कैसे पाएंगे आप गुड लक से गुड हेल्थ, कैसे टलेगा विवाद, कैसे होगा हानि से बचाव, कैसे मिलेगा आर्थिक, प्रोफेशनल और बिजनेस में लाभ, कैसे फैमिली और मैरिड लाइफ में खुशियां पाएंगे हजार,
कैसे एजुकेशन और लव लाइफ में रह सकते हैं सुखी आप। जान लीजिए किस्मत जंक्शन का ये प्लेटफॉर्म लाइफ के हर मोड पर आपको देगा सुपर सक्सेस। गुड हेल्थ के लिए सूर्यदेव पर चढ़े लाल चंदन से मस्तक पर तिलक कीजिए। गुड लक के लिए सूर्यदेव को तांबे के लोटे से अर्घ दीजिए, पानी डाल के तांबे के लोटे। विवाद टालने के लिए पानी में गुड़ मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ दीजिए। नुकसान से बचने के लिए सूर्यदेव पर 12 लाल फूलों की पत्तियां चढ़ा दीजिए, कोई भी लाल फूल। प्रोफेशनल सक्सेस के लिए सूर्यदेव पर चढ़े आलता से कलाई पर टीका कीजिए। एजुकेशन में सक्सेस के लिए सूर्यदेव पर चढ़ा अशोक का पत्ता टेक्स्ट बुक के बीच में रख दीजिए, या डायरी में, या किसी भी बुक में रख दीजिए। बिजनेस में सफलता के लिए सूर्यदेव पर चढ़ा 1 रुपये का सिक्का गले में, तिजोरी में, अपने वर्क प्लेस पर रख दीजिए। पारिवारिक खुशहाली के लिए सूर्यदेव पर चढ़े जल में रोली मिलाकर घर में छिड़काव कीजिए। थोड़ा सा जल चढ़ा के उसे बचा लीजिए, रोली मिलाकर घर में उसका छिड़काव कर दीजिए। लव लाइफ में सक्सेस के लिए शहद मिले जल से सूर्यदेव को अर्घ दें। मैरिड लाइफ में सक्सेस के लिए दंपत्ति जो हैं सूर्यदेव पर शक्कर मिले जल से अर्घ दें, दोनों एक साथ दें। तो फ्रेंड्स, अब समय है स्पेशल टोटके का। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने जैसे आपसे कहा था, संतानहीनता, रोजगार में तरक्की, इनके हम आपको स्पेशल टोटके बताएंगे। तो संतानहीनता से मुक्ति के लिए सूर्यदेव पर चढ़ा जायफल है 5 बार पेड़ से वार कर उसे जला दीजिए, कपूर से जला दीजिए, गैस से जला दीजिए, जिस पर चाहे। रोजगार में तरक्की के लिए, आपके बिजनेस में तरक्की के लिए, आपके काम में तरक्की के लिए सूर्यदेव पर चढ़ी मौली आपके कलाई पर बांध लीजिए या बंधवा लीजिए। अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं तो हार्ट प्रॉब्लम से मुक्ति के लिए सूर्यदेव पर रोली चढ़ाकर अपनी छाती पर, हृदय पर इस तरह तिलक कर लीजिए। फ्रेंड्स, किस्मत जंक्शन में बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक को लेकर, जिसमें हम निकालेंगे आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन और बताएंगे किस्मत जंक्शन के किस प्लेटफॉर्म पर आएगी आपके सफलता की सुपर एक्सप्रेस वे। तब तक देखते रहें कुंडली टीवी और कमल नंदलाल को दें इजाजत। नमस्कार।